स्टूडेंट नाउ वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द सेम चैप्टर क्लास टेंथ दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन। हम लोगों को सेम चैप्टर का फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक देखना है। ओके, फर्टिलाइजेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। हमारे पास दो गैमेट्स बनेंगे, पहला बनेगा मेल गैमेट्स। ओके, पहला क्या बन रहा है? मेल गैमेट्स। सेकेंड क्या बन रहा है? फीमेल। यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज़ होना, ये मेल और फीमेल गैमेट्स एन एन है, इन एन एन गैमेट्स का बन के क्या बनना? टू एन, दैट इज़ नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरी प्रोसेस स्टडी करनी है, बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये कैसे होगा? ओके, तो यहाँ पर हम अगर डायग्राम से समझना चाहेंगे तो हमारे पास देखिए बहुत अच्छा डायग्राम बता रखा है एनसीईआरटी बुक के अंदर। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ से पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई, और पॉलिनेशन की प्रोसेस से जो पॉलिन ग्रेन है वो कहाँ पर आकर बैठ गया? वो स्टिग्मा के ऊपर आकर बैठ गया। पॉलिन ग्रेन कहाँ पर आकर बैठा? स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा के ऊपर बैठने पर इनको एक नेक्टर यहाँ फिलअप होता है, उस में सुक्रोज होता है। ओके, तो ये क्या करता है? सुक्रोज और शुगर को लेकर स्वेल हो जाता है, और इसके अंदर से वो क्या होता है? ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये भी अगर सेम स्पीसीज़ का है, ये पॉलन ग्रेन इसी स्पीसीज़ का है, तो ही पॉलन ट्यूब बनाएगा, अदरवाइज़ कोई पॉलन ट्यूब नहीं बनाएगी, क्योंकि इनमें केमिकल डायलॉगिंग होती है। यह पॉलन ग्रेन और ये स्टिग्मा आपस में बात करती है कि अगर ये सेम स्पीसीज से रिलेटेड है तो ही आगे चलकर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उस जो ओवरी है, जो ओवरी है, उस ओवरी के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। ये देखिए पूरा एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल मिलाकर एट जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। एट में से तीन जो होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं, इनको हम एंटीपोडल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल। ओके, और नीचे जो दो होते हैं वो कहलाते हैं सिनर्जिड। क्या कहलाएंगे? सिनर्जिड नाम से इनको जानते हैं। और बीच में जो दो होंगे वो क्या कहलाएंगे? पोलार। तो इस तरह से टोटल मिलाकर हमारे पास आठ होते हैं, छः हो रहे हैं, सात, और एक जो होता है वो क्या होता है? एग। यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही पॉलन ट्यूब, तो ऊपर के ये जो होते हैं किसी काम के नहीं हैं, नीचे के दो सिनर्जिड वाले भी किसी काम के नहीं हैं, सिर्फ काम के हैं तो क्या है? एग और पोलार न्यूक्लियस। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास डायग्राम के अंदर भी बता रखा है कि जैसे ही पॉलन ट्यूब, देखिए ये पॉलन ट्यूब इंटर हुई है, ऊपर से पॉलन ट्यूब इंटर हुई है, तो पॉलन ट्यूब जो है वो एक जो होता है, इसमें पॉलन ट्यूब में भी दो न्यूक्लियस होते हैं। ओके, तो जो पहला वाला न्यूक्लियस होता है, जो हम लोग सिनर्जिड साइड में, यहाँ पर एक एग सेल रहती है, ये दो जो होते हैं इनमें नहीं कुछ भी होगा, यहाँ पर एक अपेटस होता है, जिसे बोला फिलीफॉर्म अपेटस। क्या नाम दिया जाएगा? फिलीफॉर्म अपेटस। इस फिलीफॉर्म अपेटस का काम होता है टू गाइड द पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ट्यूब है उस पॉलन ट्यूब को गाइड करने का काम करेगा, तो ये न्यूक्लियस जो है उसको गाइड करेगा। तो ये एक न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पर आकर इस वाले में, पॉलन ट्यूब का एक न्यूक्लियस जो है वो एग सेल में आकर क्या हो जाएगा? फ्यूज़ हो जाएगा। और फ्यूज़ होने के बाद क्या बनाएगा? जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? जायगोट का। और बीच में दो पोलर न्यूक्लियस हैं, ये दो पोलर न्यूक्लियस जो होता है वह पॉलन ग्रेन के दूसरा जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ क्या होगा? फ्यूज़ हो जाएगा। तो 2n तो इसमें पहले ही थे, एक n और मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3n। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 3n का। यहाँ पर जो जायगोट है उससे आगे चल के किसका डेवलपमेंट होगा? उससे डेवलपमेंट होगा बेबी प्लांट का, एम्ब्रियो का। और 2n प्लस n, 3n से किसका डेवलपमेंट होगा? एंडोस्पर्म का। किसका होगा? एंडोस्पर्म का। तो ये प्रोसेस दो बार हुई है, इस वजह से इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पर टोटल मिलाकर थ्री न्यूक्लियस फ्यूज हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है? ट्रिपल फ्यूज़न। क्या प्रोसेस होगी? ट्रिपल फ्यूज़न। ये बोर्ड के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है कि जो इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है स्टिग्मा, ये सब शेड हो जाएगा। ये जो स्टिग्मा वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, ये सब गिर जाएगा। गिरने के बाद ओवरी स्वेलन हो जाएगी, और ओवरी स्वेलन से क्या बनेगा? फ्रूट फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? फ्रूट का।
ओके, यहाँ पर ओवरी से क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा, और जो ओविल है इस ओविल से क्या बन जाएगा, सीड, क्या बनेगा, सीड। तो सीड हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक सीड होगा मोनोकॉट सीड और दूसरा सीड कौन सा होगा, डाइकॉट सीड। तो अगर हम एक डाइकॉट सीड की स्टडी करें, ओके, तो जो डाइकॉट सीड होता है उसके अगर आप चने का एग्जांपल लें, तो चने के सीड कुछ इस तरह से होता है, ओके। तो यहाँ पर जो है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, वो जो लेयर रहती है उसको क्या बोला जाता है, दीज आर नोन ए टेस्टा, ओके। जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो टेस्टा कहलाती है, और उसके बाद एक और चीज़ होती है, एक और कवरिंग होती है, उसे टैगमेन बोलते हैं, ओके। इसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सा ग्रोइंग सीड होता है जो आगे चल के स्टेम का फॉर्मेशन करेगा, स्टेम के जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर वो एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जो आगे चल के स्टेम का फॉर्मेशन करता है, उसे कहा जाता है प्ल्यूमिन, क्या कहा जाएगा, प्ल्यूमिन, ओके। और जो रूट का फॉर्मेशन करेगा, जिससे रूट बनेगी, वो क्या कहलाएगा, रेडिकल। इसमें दो पार्ट्स बढ़ जाते हैं, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, डाइकॉट सीड, ओके। इसमें ये छोटा सा स्कार होता है, उसको हाइलम बोलते हैं, और ओपनिंग को माइक्रोपाइल रीजन बोला जाता है। दिस माइक्रोपाइल रीजन कैन हेल्प फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्प्शन करने में क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो अब हम लोग बता चुके हैं कि जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो ओवरी है, वो ओवरी किसका फॉर्मेशन करती है, ओवरी से आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन होगा, और ओवरी से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होगा, सीड का, ओके। तो ये जो पूरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है वो कहलाती है, दैट इज नोन एज दी रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड।